الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محبت ذوق شوق نال پڑھو نا برکت واسطے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين علماء اہل سنت بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ گاؤں کلالاں والا کھو نزد مانگا منڈی حاکم علی صاحب ماشاء اللہ انہوں کی رہائشگاہ حاجی محمد علی صاحب جناب غفار علی صاحب محترم مختار احمد صاحب حاجی اشفاق صاحب بابا ساجد صاحب مولوی شبیر صاحب نے بڑے محبت اور ذوق شوق کے نال اج دی روحانی محفل دا اہتمام فرمائے اللہ تعالی جل شانہ انہاں دوستاں دی خدمات اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میرا تو قبل جو ماشاءاللہ ساڈے قبلہ صوفی صاحب نے بیان فرمائے اور جو تساں کلام سنن جناب دی حاضری اللہ قبول فرما کے جو ناچیز نے بیان کرنا ہے اللہ تعالی جل شانہ قبول فرما کے ساڑے سب واسطے ذریعہ نجات بنا دے دوستان دیاں دل دیاں نیک آرزواں جس جس مقصد واسطے جو جو ارادہ لے کے اچھا ارادے نال حصہ ملایا نے جو معاونین بنے نے اللہ سب دی کاوش خدمت قبول فرما کے دارین دیاں سعادتاں عطا فرماوے جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے 22ویں سپارے دے وچوں سورت احزاب شریف دے وچوں ایک ایت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس دے اندر اللہ پاک نے صاف واضح بیان فرمایا ہے
कि जो अज दुनियादार इंसान ये आखते हैं कि असा अपनी मर्जी नाल कमाई कर रहे हैं, अपने हाथ नाल आप कमा रहे हैं, ते आप ही खर्च करांगे जिथे साड़ा दिल करेगा, जो असी करांगे अपनी मर्जी नाल करांगे। सादा लफ्ज़ है, जिस तरह कल 8 मार्च गुजरी ते औरतों ने भी जड़ियां बेहया औरतां सन उन्होंने भी एक आवाज़ दिती कि मेरा जिसम मेरी मर्जी, उन्होंने बकवासात कीतियां। मैं ऐते मुबारक जड़ी पढ़ी कुराने मजीद चूँ, इस दे अंदर साफ बयान आया कि साडा जिसम ते रब दी मर्जी। साडे जिसम ते मर्जी अल्लाह और उसके रसूल दी। मेरे अज दे मौजूदा उनवान होना है जिसम हमारा, मर्जी अल्लाह और उसके रसूल की। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर वेखो एक रोशन किताब है। कोई गोता खो इस दे अंदर गोता ला के कोई हीरे कढ़ लिया है, किसे कोल मोती लब जाते हैं। तो जिमें अपने बुजुर्ग फरमा रहे सन कई अब्दुल्ला बिन उबई वर्गे इवें रह जाते हैं। ये तो एक रब सोने की अथा है कि अल्लाह पाक जे करम करे मेहरबानी फरमा दे फजले अमन चिश्ती ते इस कुरान विचों हीरे ते जवाहर ते लाल कढ़ लैन, खजाने समंदर दरिया बहा देन। ते ओही मौलवी ने यही कुरान पढ़ के ते गुमराह हो जान। यो दिलो बही कसीरम व यहदी बही कसीरा, कुरान ही पढ़ के ते मौलवी नुमाइंदगी कर रहा हुंदा है, ते कुरान विच्चों ही जनाब नूं आपां इंशाअल्लाह उलदी दसणा है। याद रखिया जे यहूदी ने काफर ने बहुत बड़ी साजिश करके सादा लोगों के जहन खराब करन वास्ते कुरान मजीद दियां आयतां दे मतलब गलत उत्ते आयत पढ़नी होर थले माना होर करके आवाम नूं आख्या लो जी ए कुरान पाक च इंज आ गया। बेलियो काश अज दुख लगता है कि अज साडे जो जिस बंदे दे 4 पुत्र होंदे कोई एक पुत्र नूं नबी दा दीन पढ़ाया हुंदा, ते अज एक घर विच 4 मजहब ना हुंदे, एक एक घर विच 4-4, 5-5 मजहब नजर आते। मेरे दोस्तों, मेरे रब सोने का एहसान समझो उस बंदे ते जिस बंदे नूं इस दौर विच एवें दे आलमे दीन मिल जाण, फजले अमन चिश्ती वर्गे, तो गल्लां समझाण वाले ते तुहानूं सुणाण वाले। और तुहाडे इस पिंड दे अंदर ही अलहमदुलिल्ला मेरे बरादरे असगर मौलाना मुहम्मद नसीम अमन चिश्ती साहब माशाल्लाह उन्होंने दीन इस्लाम दी बहुत बड़ी देर तो काविश खिदमत उन्हां दी के उनका नतीजा उस कोशिश का काविश का कि तुसां इन्ने बंदे सादा बंदे भी दीन हक दीयां गल्लां सुनन वास्ते तैयार बैठे हो। ये आपकी मेहनत का नतीजा है, क्यों कि हर बंदे नूं पता है भी यार चिश्ती जिहड़े ने बयान गुफ्तगु उन्हां दी हुंदी हुंदी बड़ी सख्त आ, लेकिन उसके बावजूद इन्हां लोगों का बैठना सुनना यह हक की दलील है। वह कहिंदे आ यार गल सस्ती सख्त भावें हुंदी पर हुंदी तो सच्ची। अवाम उन्नास नूं इस चीज़ की खबर है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तआला जल्ला शानहू रहम फरमा देवे, करम फरमावे, ते गल तां बनदी है। मेरा सोना रब्बुल आलमीन कुरान मजीद च इरशाद फरमांदा है, वक्त पहले काफ़ी हो गया, मेरा इरादा सी कि 11 बजे तक थोड़ी गुफ्तगू सुना के ख़त्म करन दा, पहले ही 10:30 हो चुके हैं।
मेरे को जड़ी घड़ी दो मिनट रह गए साढ़े दस होने तुहाडे कोल वक्त किन्ना को होएगा। बिस्मिल्ला खैर होवे माशाल्लाह। सारी रात ते अपने कोल नहीं बैठा जाना, ये तुहाडा ज़ौक है, अल्लाह इहनू सलामत रखे। ए सारी रात तो मतलब ये शौक ज़ौक रखते ने इन्ना दोस्त बई तुसी सच्चियां गल्लां कीती जाओ ते सां सुनी जाइए साडा सीना ठरदा रहे। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। मुख्तसर वक्त च कोशिश करांगे कि सुबह फजर दी नमाज भी पढ़नी आसानी नाल ते जनाब दे सामने कुरान मजीद दी मैं ते मुबारक तिलावत करना बिला तमहीद अर्ज करना क्योंकि वक्त पहले काफ़ी गुजर गया। जनाब दी तवज्जो होवे ते जिन्हां नींदर आ रही उन्होंने कन कोल आसे पासे वेख विखा के आंढी गुआढ़ी नूं भी जिहड़ा सुस्त हो रहा सौ रहा उन्होंने जगा दिओ, मैनूं बार बार जगाना ना पवे, जरा प्यार नाल कह दिओ सुभान अल्लाह। अल्लाह जल्ला शानु इरशाद फरमांदा है वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा कदल्लाहु व रसूलुहु अमरा वहदहू ला शरीक मौला ने इस कुरान मजीद दी आयत सूरतुल अहज़ाब शरीफ दी आयत नंबर 36 दे अंदर ऐलान फरमाया वमा कान लिमुमिन किसे मोमिन नु हक पहुँचदा नहीं वला मुमिनत ना किसे मोमिना औरत नु इख्तियार ना किसे मोमिन बंदे नू ना मोमिन औरत नू इदा कदल्लाहु व रसूलुहु जदों उन्हां दे सामने उन्हां ते अल्लाह और उस दे रसूल दा अमरन हुक्म आ जावे मोमिन बंदे ते मोमिना बीबी दे सामने जदों अल्लाह दा हुक्म आ जावे तवज्जो काका इधर वेख मेरे लिए मैं की कहना चाह रहा वा। अल्लाह फरमा रहे जदों मोमिन बंदे दे सामने मोमिना बीबी दे सामने जदों अल्लाह ते उंदे रसूल दा हुक्म आवे लहुमुल अय्यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम अल्लाह दे हुक्म तो अलावा उन्हां दा अपने आप विच कोई इख्तियार रहिंदा नहीं जदों रब दा हुक्म आ जावे उन्हां दा इख्तियार खत्म हो जांदा है। अल्लाह फरमांदा है किन्हां दा वमा कान लिमुमिन मोमिन बंदे दा ते मोमिना बीबी दा आवेख जिहड़े आखदे ने कि असा अपनियां मर्जियां करनियां ने अल्लाह दे कुरान दे मुताबिक ओ मोमिन नहीं। अगर मोमिन हुंदे अल्लाह फरमा रहा वे ए मोमिन बंदे नूं ते मोमिना औरत नूं जदों अल्लाह ते उंदे रसूल दा पैगाम पहुंचे अल्लाह ते उंदे रसूल दा हुक्म आवे ओ ए नहीं आंदा इत्थे हुण मेरी मर्जी चलनी है अल्लाह ते उंदे रसूल दे हुक्म दे अगे अपनियां मर्जियां चलांदा नहीं। इज़ा कदल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम उन्हां दा कोई इख्तियार रहिंदा नहीं जिन्हें कलमा पढ़ लिया होवे उन्हां दा इख्तियार खत्म हो जांदा है। ओए सजणा आंदा ना मैं बैत कर लईए आ वेख मेरे तेरे प्यारे नबी सोने जदों ऐलाने नबूवत फरमाया ए तवज्जो करी बेलिया जरा अपने गोडे छड़ के मेरे लिए वेखना बोल खैर होवे सुभान अल्लाह। गोडियां तो हथ ला के जरा तवज्जो दे नाल बात समझना मेरे सोहणिया वीर इधर वेख अल्लाह फरमा रहा वे जदों अल्लाह ते उहदे रसूल दा हुक्म आवे बात साबित हो गई जिहड़ी गल मेरा सोहणा रसूल करेगा ओह गल अल्लाह दी होणी अल्लाह ते उहदे रसूल दा जदों हुक्म आवे मोमिन बंदे नूं हक पहुँचदा नहीं ना मोमिना बीबी नूं हक पहुँचदा आवे उथे मर्जी अपनी कर ले इदा कदल्ला हो रसूल हो
अमरा जो अल्लाह ते रसूल का हुक्म पहुंचे ते हुक्म फिर अल्लाह ते रसूल का मनना है। इधर वेख यार जो मेरे तेरे प्यारे नबी सोने ऐलाने नबूवत फरमाया वे ये दुनिया ते चन चढ़िया वे नबूवत वाला उन्दिया रोशनियां ने मेरे आका दी नबूवत वाली रोशनी है जिहड़ी अज कला लाले ते भी ठाठा मार दी बेलिया मेरे सोने नबी दे ए नबूवत वाली रोशनी दी बरकत चन चढ़े ए दुनिया दा चन चढ़े ते सारे जहान ते रोशनी हो जांदी ए तां ते सखी सुल्तान बाहु ने गल कीती ए तेरा लोक होवे ते सुना दिया जरा प्यार नाल बरकत वास्ते कह छड़ सुभान अल्लाह। ये कोई बंदा इधर वेख रहा है इधर वेख रहा है मैं तां कल करन लगा ताकि तवज्जो मेरे लिए हो जावे। सखियां दा सुल्तान उसे चन दी गल करदियां फरमांदे ने चे चढ़वे चलना तू करे रुशनाई तेरा जिक्र करेंदे तारे हो गलियां दे विच फिरन नमाने अते लालां दे वन जारे शाला कोई ना थी वे मुसाफिर अते कख जिन्ना थी पारे हो ताड़ी मार उड़ाना बाहो साया पी उड़न हारे हो सखियां दा सुल्तान गल कर गया वे उस चन दा जिक्र करदियां अल्लाह वादा उला शरीक मौला सोने ने अपने महबूब नू जदों दुनिया ते भेजिया वे ऐलाने नबूवत होया वे सारियां तो पहला हजरत अबू बकर सिद्दीक आए ने अगे हथ वधा के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बैत कीती है मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी केड़ी सोनिया तू नबी तुसा ऐलान फरमाया वे मैं तुहाडा पहला उम्मती हां आपने बैत फरमाई अपने आप नू वेच दिता वे बैत दा मतलब होंदा है मेरे मियां शेर रबानी शरकपुर दे शहनशाह फरमांदे ने बैत दा माना होंदा है अपने आप नू पीर दे हाथ विच वेच देना। हुण मर्दियां आउंदियां नहीं चलनियां मर्दियां पीर दियां चलनियां ने मतलब कि जे पीर होवे इंसान दा बच्चा और रहबर कामिल होवे मियां शेर रबानी वांगो सुणिया ओ इंसान नू सिद्धे राह ते वी लांदा है ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਭੈੜੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਛੱਡਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਦਰਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬੈਤ ਮੁਬਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਫਰਮਾਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਬੈਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਖਤਿਆਰ ਫਿਰ ਜਿੰਦੀ ਬੈਤ ਕਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਵਾਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਮਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
नहीं ना मोमिना बीबी का इख्तियार है कदों जदों उन्हां ते अल्लाह का हुक्म आवे अल्लाह दे रसूल का हुक्म पहुंचे उन्हां नूं फिर अपनियां मर्जियां करनियां नहीं अल्लाह ते उहदे रसूल दियां मर्जियां करनियां नहीं आवे खेदर वे तां करके बेलिया जिस्म मेरा है ए मेरा जिस्म है मैं अपनी मर्जी दे नाल इहदे ते खुदकुशी नहीं कर सकदा मैं अपनी मर्जी नाल इहनूं मार सकदा नहीं इहनूं अपनी मर्जी नाल मौत नहीं दे सकदा है मेरा वे पर जदों मैं ला पढ़िया वे इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िया वे उदों ए जिस्म ते मेरा ज़ाहरी तौर ते मेरे नाल सी हैगा मेरे नाल सी हकीकत च मेरा नहीं इहदा कब्जा हुण सोहणे नबी दे कोल चला गया वे इहदा कब्जा सोहणे रसूल दे हथ विच तां करके सजणा जिहड़े अल्लाह दे प्यारे रसूल दे गुलाम गुजरे ने वो सारे यही आखदे सन बेली आओ मैं ते नहीं मेरे सारी गल रसूल दी है सारी गल मेरे रसूल दी है कसम वादा औला शरीक मौला दी मैनू समझ नहीं लगदी उन्हां लोगां दी जिहड़े गल आखदे ने यार मेरा इख्तियार भी है मौलवी साहब मेरा इख्तियार है मेरी अपनी मर्जी मेरा जिस्म ना कह सजना इस कायनात दी कोई ऐसी चीज नहीं जिन्नू बनाण वाला अपनी मर्जी नाल बनावे फिर इख्तियार अगले नूं दे देवे जिहड़ा बंदा जिहड़ा कारीगर जिहड़ी भी चीज बनांदे उस चीज दे उत्ते इख्तियार उस बनाण वाले दा चलदा है जिहड़ा कारीगर जिहड़ी चीज बनावे तवज्जो बाबा इख्तियार उस मालिक दा चलदा है जिहड़ा भी कोई चीज बनांदा है याद रख लेना जिन्नी देर तक मालिक दा इख्तियार ना समझिए बेलिया हाय अफसोस यार मैं मिसाल देण लगा इधर वेख मालिक दे घर दे अंदर ही एक कुत्ता राखी आला रखिया होवे उन्हों दो दिन रोटी ना पा तेरे बुए ते बैठा रवेगा दर छड़ के जांदा नहीं जदों तेनों वेखेगा पवे भुखा भी होवेगा उन्हें पुछल मारनी ए बेलिया वेख के मालिक नूं उन्हें भौंकना नहीं उन्हें गुस्सा करना नहीं अज दो दिन हो गए ने मैनूं रोटी नहीं दित्ती उन्हें परेशान नहीं होना वे असा अपने मालिक दे दर दे अगे एवें रहना है साडा इख्तियार चलना नहीं मेरे रब ने फरमाया ईमान वाले हुण इख्तियार तुहाडा खत्म है अल्लाह वादा औला शरीक मौला ने इख्तियार सानू दिता नहीं इख्तियार सिर्फ अल्लाह ते उहदे रसूल दा चलना है कि मतलब असां जिहड़ा भी काम करना है असां पैर चुकना है असां हथ चुकना है असां अख चुकनी है असां निकाह करना है साडियां फौतगियां होणियां ने साडियां शादियां होणियां ने साडे वलीमे होने ने जो भी कम होने साडी जिंदगी दे मुआमलात होने ने सारे दे सारे मुआमलात अल्लाह कोलो पुछ के होने ने मौलवी साहब अल्लाह कोलो किवें पुछांगे मैं के कुरान जो है मैं अपने रब नाल गल्लां करां मेरा इरादा करे मेरा दिल करदा जदों मैं अपने रब नाल मैं गल्लां करां मैं नमाज शुरू कर देना वा हाय 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 करे मैं कुरान दी तिलावत शुरू कर देना वा कुरान दी तिलावत करना शाह अली पाक फरमाउंदे ने कुरान दी तिलावत करना क्योंकि कलाम रब दा वे अल्लाह दा जो हुक्म आवे आप इंज फरमा रहे सन रब साडे नाल गल कर रहा वे जदों मेरा दिल करदा मैं अपने रब नाल गल करा मैं नमाज शुरू करना साडा जहाल वे असा नमाज शुरू पहले चंगे भले होने जा नमाज शुरू कर दी ते ख्याल ख्याल दुनिया दे
आसे पासे दे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। पहले बिल्कुल ठीक ठाक होवांगे, वुजू भी ठीक करांगे, जो तो नमाज शुरू करांगे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। मैं कहता तो इकबाल रो रो के गया सी, आप फरमाते ने मैं जो सर्व सजदा हुआ कभी। अल्लाह अकबर, ओना दी नमाज होर, ओना दे कुरान दिया तिलावता होर, साड़िया नमाजा होर, नमाजा विच फर्क क्यों पियावे? साड़े अंदर वो पाकी नहीं रही, वो तहारता नहीं रह गई, वो मुहब्बत नहीं रह गई। सजना जदों निक्के जे बाल नू कुट्टी दे देनी है, बच्चा निक्के जे पुत्र नू कुट्टी देनी है, मेरा पुत्र वड्डा होके की बनेगा, मेरा पुत्र कमाई करेगा, ये इंजीनियर बनेगा, इन्हें पैसे कमाएगा, जब निके जे बाल नू कुटी देनी है पुत्रा, एक कसम खुदा दिया पा लाइला पड़िया वे, सानू ते कुटी उदो ही आ जाती, अगर अकल वाले हो ये ते समझ जाना चाहिदा वे, जब पुत्र नू सुनती बहाने आ कार विच बच्चे दी सुन्नत पूरी करने आ, नहीं दे जिस्म दा मांस कटदा है, इंदा खून निकलदा है, बच्चा रोंदा है, मां बाप नू समझ जाना चाहिदा वे, रब दस्या वे तू जड़े खानदान विच पैदा होए, तू जड़े घर विच पैदा होए, ए घर मुसलमाना दे, बोलते सही सूफी, ए घर मुसलमाना दे, जेड़े घर विच तू पैदा होए, तेरा खून कट के दसिया वे, इस घर विच तेनू अपने रब ते रसूल दी खातर खून भी देना पैना है। ए कुटिए पर आपा भुला छड़िए, असा भुल गए सानू एक ही कुटी आई है भी यार, बस पैसा किवें कमाना है, तू अमीर किवें होना है, नहीं बच्चे दा खून कटदा है, नहीं भी बच्चे निके जे नू दसिया जावे पुत्र तू जेड़े घर जमया है ना, एक घर ही मुसलमाना दा ते हजूर दे गुलामा दा, ए सोने नबी दे गुलामा दा घर है, ते पुत्र इस घर विच नबी दे दीन तू ते नबी दे राह तू खून भी देना पैना है, तां तेरा खून कट के वल दसिया है, जमदी खून कढ़िया है। ए वे असा लोगों ने सानू तबीयत पुठी हो गई, मैं क्या सजना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान वे तब्दील हो चुकी, जहन पुठे हो गए, ख्याल खत्म हो गए। बच्चा निक्किया निक्किया जो समझाई ना, जो छोटे पुत्र आप मुसलमान इंज करके नमाज पढ़नी, माँ अपने पुत्र के सामने मसाला विछावे धियां के सामने, तो निक्किया निक्किया धियां भी नमाज शुरू कर दें। क्यों भाई? निक्के निक्के बच्चे नमाज शुरू कर देना, उवें दियां दावां करन लग पैंदे ने निक्के निक्के, तो जो छोटे छोटे होंदे मावां अपने बच्चों के सामने फिल्मां ड्रामे टच मोबाइल ये वो होण, तो वह छोटे छोटे उन्हां दी आदत उधर चली जांदियां। एक कोरे कागज़ ने ए छोटा बच्चा जड़े ना, एक कोरा कागज है, इन्हें ते जो तू लिखना है, जो तू लिखना ही वो लिखिया जाना है, लीक वजनी इंज दी इनू याद रखनी, वो नक्श हो जाने उनके जहन ते कि निक्किया हुंदा मैं इंज सा, मेरे बाप इंज मैनू वल दस्या। निक्किया हुंदे वालियां गल्लां हाले याद ने, सानू याद ने कि साडे वाल साहब साडी अम्मा जी इंज सन, सानू समझांदे सन, इंज गल करदे सन, ते इन्हां नू वी याद रहिंदियां ने। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝਟਕ ਸੋਚ ਖਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਫੌਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਵਕਤ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਭੰਨ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫੌਰਨ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ,
सारे शहर का पता है, निक्की निक्की गल का पता है। मैं फलाने बंदे नाल लड़िया सा, उन्होंने फलां वक्त मैं फलानी थां ते इंज गया सा, उत्थे लंघदियां लंघदियां बंदा राह सहण लैंदा है वी बचपन च मैं इत्थों एक दफा गुजरिया सा, ये नहीं हो सकता। इंदी याद आंदे ने कंप्यूटर बड़ा तेज है, मैं क्या जिहड़ा इंसान नूं रब सोहणे ने दिमाग ता फरमाया ना, इंदे नाल कोई शह नहीं रलदी। ये तो हर शह एडियां एडियां गल्लां याद कर लैंदा, फौरन लंघदियां राहां तों पहचान जांदा है। ते अल्लाह पाक जल्ला शान होने वो सोहना रसूल सानू अता फरमाया, जिस रसूल की बरकत नाल अज आपां कट्ठे होए, उस सोहने नबी दे दीन सच्चे दी बरकत नाल सानू सच्चे दीन ने कट्ठिया कीता। दुआ करो जिवें इत्थे कट्ठे आ कल जन्नत च वी एवें कट्ठे होईए, सोने मदनी दे पाक झंडे थले कल क्यामत आले दिन एवें कट्ठे हो जाइए ते फिर गल बने। वाहदा उला शरीक मौला सोने ने इख्तियार तेनू नहीं दिता। ए वेखो ऐ ना ऐ स्पीकर, ए भाई और स्पीकर चला रहे ने, इन्हां ने बनाया नहीं, बनाया किसी होर बंदे ने। जिहड़े बंदे ने इहनूं बनाया ना, इहनूं उहने दस्सिया ऐ बटन इत्थे करना करना है, आवाज आएगी। वेखो मैं थोड़ी जी अपनी मर्जी की थी, इन्हें निके जे बटन नू मैं जान के अपनी मर्जी की थी। जिन्हें बनाया सी उन्हें क्या ए बटन अगे रहेगा तो थोड़ी आवाज लोगों नू सुनाएगा, मैं इन्हें ते अपनी मर्जी करा। इन्हें मैनू बनाया है ना, उनकी मर्जी के मुताबिक चला, फिर मैं सही चलागा। जिन्हें मैनू बनाया उनकी मर्जी के मुताबिक चलाएगा तो मैं सही चलागा। ओए भोले इंसान याद रख, ये दुनिया की हर चीज किसी ना किसी कारीगर ने बनाई है, तो बनाने वाले की मर्जी नाल चलती है। तो सोने तेनू तो मैनू भी रब ने बनाया, सानू किने बनाया? अल्लाह अकबर जल्ला शानू। ते बनाण वाला रब ते मर्दी चलनी है। अच्छा फिर समझो, ए ट्रैक्टर वेख्या, कार ट्रैक्टर गड्डी, ट्रैक्टर एक कारीगर ने बनाया ना, उनके उत्ते जिन्हें उन्हें बनाया वो बनाने वाले ने दसिया है भी इत्थे एक टैंकी पानी वाली, एक तेल वाली, इहदे च पानी पा, इहदे च तेल पा, एवें ना। ते वो जिहड़ा ड्राइवर है वह आखे मैं मलक हुना, मैं महर हुना, मैं बड़ा राजबोध पट्टी फलां फलां, मैं इंज कर देंगा, मैं दोवें टैंकी च पानी पावगा, चलेगा चलेगा क्यों ना? वो तो नहीं चलेगा, उन्हें आखना है मैनू खालस कर भाई, जो बनाने वाले तेरी मर्जी नहीं चलनी, तू चलाने वाला है, तू बनाने वाला नहीं। हाय 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 हाय, जिन्हें मैनू बनाया है उनकी मर्जी कर, बनाने वाले की मर्जी किवें में, बनाने वाले की मर्जी थी पानी वाली टेंकी च पानी, तेल वाली टेंकी च तेल, ते बनाने वाले ने आखिया थी क्लच नपेगा तो गेयर लगना है, तू आखे मैं बगैर क्लच नपण तो गेयर लाऊंगा। वो जिमें पहले नवे नवे ट्रैक्टर आए सन साढ़े सादा जे बंदे होने साढ़े लागे, वो ट्रैक्टर के उत्ते नवा नवा बंद, बाबा जी बहो चलाओ, उन्हें बह गया, उन्हें कहा खलो 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 गेर लाए तो रुक जा रुक जा। उन्हें कहा हूँ किमें मैं किमें रुका, मैं कोई ढंग थोड़ा, मैं आवाज सुन लव ढंगर आवाज, रुक जा सरकार की ब्रेक नपनी पैनी। जिन्हें बनाया उन्हें दसिया भी इनू नपेगा तो खलो जाएगा। वो इंसान आ, तेरिया भी ब्रेक भी है ने, रेसा भी है ने, तेरिया ब्रेक रेसा भी है ने, कोई नहीं बिन ब्रेको, साडिया ब्रेक रेसा सब कुछ है ने, पर कोई दसन वाला नहीं है। मुसलमान वीर है दरवे, छोटा ट्रैक्टर बनावे, कार बनाने वाला नाल किताबचा दे रहा वे, आम इंसान नाल किताब दिती बैठा है, आंदा किताब तो वेख्या जे गेर किवें लगना है, तेल कित्थे पाना है, टैंकी किवें रखनी है। अफसोस यार मेरा परवरदिगार सानू सोहणी किताब देवे,
सोना कुरान सानू देवे इंसान जिंदगी गुजारन लगे तू किसे हनी सिंह की शक्ल नहीं वेखनी जिंदगी गुजारन लगे सिखा लो वेखना नहीं जिंदगी गुजारन लगे ओ बेईमाना मुनाफका ले नहीं वेखना जिंदगी गुजारन लगे साढ़े कुरान लो वेखना अगर कुरान दे नक्शे वेखने इंदे मुताबिक कोई नमूने वेखने ते साडा बाबा फरीद वेख्या जे अगर नमूने एवें दे वेखने होण ते मियां शेरे रबानी वेख्या जे ओही नमूना ओही दस्तार ओही गुफ्तार ओवें दियां नकलां मारन वाले नमूने वेखने होण ते फजले आमद चिश्ती वेख्या जे ओ नमूने तुहानू नजर आउणगे जिन्हां नूं वेख्या पुराने असलाफ याद आ जाण ओ याद आ जाण ते बेअदब ते बेवकूफ लोग आखण नहीं जी नहीं मौलवी जी नहीं नहीं अपनी मर्जी चलनी है मैं कह ना ला इस मन दे अंदर भी रसूल रहना है इस तन ते भी सोना रसूल रहना है वमा कान ले मुमिन वला मुमिनत किसे मोमिन नु हक पहुंचदा नहीं किसे मोमिना बीबी नु हक पहुंचदा नहीं जदों अल्लाह दा कुरान आवे रसूल दा फरमान आवे ते ओ अपनी मर्जी चला जाए ओ आखे मर्जी मेरी चलनी नहीं नहीं इत्थे ते अपना तन भी यार दा बनाना पैणा वे मन भी यार दा बनाना पैणा वे ते सखी सुल्तान आंदा है महला भी यार दा ही बनाना पैणा वे सखी सुल्तान बहु फरमांदे ने ए तन भी ते मन भी यार दा ते महला भी आ बोल ते सही आ बोल सूफी ते नींदर ते नहीं आ गई नींदर आई ते फिर बस कर देने आ सखियां दा सुल्तान आंदा है तन मन यार दा असा शहर बनाया ते दिल विच खास महला आन अल्लाह दली वसों की तय साड़ी होई खूब तसल्ला सब कुछ मैनू प्या सुनी वे जो बोले माँ सिवल्ला पछाणी बाहु बे दर्दा सिर खला खैर वे सुभान अल्लाह वेख लो पार्टी की आवाज़ थोड़ी नहीं आती अगर सौन का इरादा है तो इतने तंबू ला दीए इन्ना को इन्नी को कनात ला के बंद ना कर दीए तुहानू तुहाडे इरादे को खास लगते ने बोलो तुसीं खैर वे सुभान अल्लाह वेख लो अंदर नारा मैं नहीं मारदा वो मारदा सुभान अल्लाह वेख लो जी एवें रिहा आप होने झटक नूं बस कर देंगे जो कहते बोलो ना खैर वे लजपाला
مسلمان عرض کر رہے ہیں ادھر ویکھ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امر جدو اللہ پاک جل شان و اختیار تینوں دیندا نہیں نہ کسے مومن بندے نو نہ مومن عورت نو میرا رب سونا ادھر ویکھ ہن اے سونی کتاب دے اندر میرا سونا پروردگار سانو دس رہیا وے اللہ سونے دا حکم آوے تے ساڈیاں مرضیاں چلدیاں نہیں اے جڑیاں آوارا عورتاں بے حیا بن کے آکھدیاں نے میرا جسم تے میری مرضی میں اپنے خاوند دی مرضی نہیں کرنی جسم میرا ہونا ہے مرضی میری چلنی ہے میں کہنا نا آ ویکھ اللہ دا قرآن پڑھے اللہ فرماندا وے نصف جسم تیرا ہے مرضی تیری نہیں مرضی سونے پروردگار دی سونے رسول دی چلنی آ سجنا آ تو اس سونے دا عاشق بن جا جندا عاشق کل زمانہ زی او جنہ تے عاشق یوسف ورگے وی ہوئے نے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے اوتے بی بی زلیخا عاشق سی حضرت یوسف علیہ السلام دے عشق تے بی بی زلیخا عاشق سی پر جن دے تے یوسف علیہ السلام عاشق سان او تیرا میرا نبی سی آنا تیرا ذوق ہوے تے ضرور سنا دیواں حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی توجہ ہوئے تے میرے نال چلے جے حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی جس پہ عاشق ہیں یوسف ہمارا نبی جس پہ عاشق ہیں یوسف ہمارا نہیں بولیا جاتا تے پر میرے بڑی مہربانی جنہیں جنہوں نے سمجھ آئی او آکھو جس پہ عاشق ہیں یوسف ہمارا نبی بولو نا آواز میرے تک دے آ جاوے جس پہ عاشق ہیں یوں ہمارا نبی لنگر پکایا حاکم صاحب بھائی شبیر صاحب لنگر شریف ہے نا لنگر لنگر دے آنگے آجیو اوچھتے کرو کچھ بولو تو صحیح جس پہ عاشق ہے یوسف سمجھ آوے تے اگے چلے جے حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی جس پہ عاشق ہے یوسف سمجھ نہیں آ رہی اشارہ نہیں سمجھ رہے ہمیں وہ بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن تے عاشق ہوئی سی حضرت یوسف علیہ السلام جدوں معراج دی رات میرے آقا نو ویکھیا وے آ فرماندے نے سونیا آپ نے کی فرمایا بے شک حسن زیادہ میرا بے شک حسن زیادہ میرا بے شک حسن زیادہ میرا سونا کل جہانا نالوں پر نعمت قیمت میری سونیا تیریاں زلفانا حسن تے میرا سبحان اللہ پر تیری زلفاں دے نال دی قیمت نہیں ہے گی شان تیری بلے بلے اللہ اکبر تو جس پہ عاشق ہے یوسف ہمارا پچھلے صلاح کر لو میرے نال رل کے آنا جس پہ عاشق ہے یوسف ہمارا نبی سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی انبیاء معجزے لے کے آتے رہے انبیاء معجزے
मौजज़ा बन के आया हमारा नबी, मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। आ सोने दरवे ओ सोने नबी कुरान लेके आई, ओ तेरी मेरी सोनी सच्ची किताब जड़ी साड़ी हदायत वास्ते आई। इंदे अंदर मेरा सोना रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहे पढ़ा कुरान। अल्लाह अकबर जल्ला शान। उन तेरे मेरे इख्तियार दी गल होण लगी, जेड़िया बेहया और आखदिया ने मेरा जिसम मेरी मर्जी, आखदिया ने कपड़े पावा या ना पावा तेनू की लगे तू कौन है। ए मुल्ला ये सड़के मुल्लों की नहीं है, ये मुल्ला की जंगीर नहीं। कल बकवास कर रही है सन औरतां, ये सड़के हमारी हैं मुल्लाओं की जंगीर नहीं। कि मतलब भी मौलवी सानू रोकते ने, मौलवी रोकते ने आंदे ने कपड़े सही पाओ ते परदा करो। ओए चलिया गल मौलविया दी नहीं है, औरतां काफरा ने क्यों के पर्दा दा हुक्म मेरे अल्लाह दा है मौलविया दा नहीं। ओ पर्दे दा हुक्म मेरे रब वल्लों है। ये मुल्ला की जंगीर नहीं, ये सड़के हमारी हैं, जिधर चाहे जहाँ चाहे जिस वक्त जाए। हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारी सड़के हमारा शहर हमारी मर्जी, जिधर चाहे रात जाए दोपहर जाए बारह बजे जाए जिधर चाहे हमारी मर्जी। ओ मैं आना कुत्तियो काफरो, काश के तुसा इस्लाम दा हुक्म समझ दिया, काश के तुहाडे प्यावा मावा नू गैरत हुंदी पर गैरत हुंदी। इन्हां काफरां ने सबक नहीं सर पढ़ाने, और जो तलीम काफरा दी पढ़िए ते सबक भी काफरा वाले आउंदे ने, ओ ज़बाना भी काफरा वालियां बोलियां जांदियां ने। आ मेरा रब की फरमा रहा, तेरी तवज्जो होवे ते सुनावा कुरान। बोल ते सही, खैर होवे हाले भी सुत्ता पिया है। अल्लाह दा कुरान सुन तेरियां अखां खुल जानी, ओ तेरी मर्जी नहीं चलनी इस जिस्म नूं चलाण वास्ते, मर्जी मेरे परवरदिगार दी चलनी। मेरे मौला रहम कर देवी, सानू डर लगता ही डर लगता है किधरे तेरा आसमान ना डिग पवे, किधरे तेरा अदाब ना आ जाए। जदों आवारा फौक दिया ने कि थां थां ते रोले, थां थां ते नारे मार के आखण जी मौलवियां दा पर्दा। एक औरत बेहया सी, उन्हें पर्दे नूं पड़िया बुरके नूं पकड़ के टैंकी ते चढ़ के उत्ते पेट्रोल सट के अग लाई। इंजांदी मैं बुरखा साड़ दिता है, एला मैं पर्दा साड़ दिता, जो करना कर ले। मेरे अल्लाह दी तकदीर रब सोने ने उथे पकड़ लिया। अल्लाह दा अज़ाब आए, उसी जिहड़े हथ च पेट्रोल फड़िया सी अग लगी, फिर सारे पेट्रोल नूं उस औरत नूं भी सारी अग लगी। सारी सड़दियां कूकां बाकां मारदियां टैंकी तों थले उतरीए। वीडियो दरवेशां दे मोबाइल दे विच मैं विखा सकना वा, पर इहनूं टीवी ते क्यों नहीं दित्ता गया, इनू खबरां विच बयान क्यों नहीं दिता गया। औरत बुरका साड़ दी, सड़ गई बुरका साड़िया सू, परदे दे खिलाफ बोली है बकवास कीती सू, सारी नू अग लगी सड़ गई है। पर किसे बंदे ने चूं चना नहीं कीती, किसे मास्टर किसे प्रोफेसर किसे लेक्चरर किसे मीडिया वाले किसे जियो न्यूज किसे धियो न्यूज वाले किसे बगैरता ने ये मीडिया ते आम नहीं कीती। क्यों? इहदे विच यहूदी दी बिस्ती होनी है, रब दी ते रब दे बंदियां दी शान बननी है। इनू बंद कर दियो, इनू मिटा दिता जावे, कसम वादा उला शरीक दी जिवें मर्जी दबांदे ने। वो वीडियो मंजरे आम ते आ ही गई सी, आ गई। मैं पुछना चाह रहा वा, जिहड़ियां आखदियां ने मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आंदियां ने कपड़े पावां या ना पावां मर्जी अपनी है। काश काश के तोड़े खामदान नु रब हदायत देंदा, तोड़े मां बाप तुहानू स्कूले ना पांदे। मैं तो सीधी गल ही करांगा, होर दूजी गल कोई नहीं। अगर तियां घर दी चार दीवारी विच रहिंदियां, ओ
ते कदी अपने प्यावां दे अगे अपने रिश्ते दी गल नहीं कर दियां। प्यो भावें खूह विच सुट देवे, प्यो भावें काले नूं दे दे, भावें गोरे नूं दे दे, अपने भतीजे नूं देवे, जिन्नू मर्दी ने जिंदे नाल प्यो डोली च पा के टोर देवे, कदी धी बोली नहीं ते स्कूल पढ़ जावे। फिर प्यो दी मर्जी नहीं, तुस आखना मौलवी गल स्कूल दी किधर आ गई, मैं क्या मुड ए हुई है, मुड ए हुई है, ओए मौलवी उतू तू परमला छांगदा है। अक्सर पाकिस्तान दे मौलवी आंदे ने वेखो जी उत्थे जना हो गया, बदकारी हो गई, बेहयाई हो गई। मैं क्या चलिया बेहयाई ते बदकारी क्यों हुई, जे उत्थे जांदी ना ते होनी नहीं सी। मुड पटना पैना है, परामला छांगिया दरख्त फिर फुट पैंदे ने। ओ बेलिया कसम खुदा दी सैयद वारिस शाह ने एवें ते 13वीं सदी च गल कर दी सी, तेरा लाओ को मैं तो सुना दे, परेशान ते नहीं अकलमंद नूं गौर जरूर चाहिदा। सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह 13वीं सदी च गल कर गए, फरमांदे सन 13वीं सदी दा तौर फिरया उठ गई जहान तो मेहरी मियां तिया मापिया तो मुंह वर मंगनी रन्ना मर्दां नूं गईयां वेर मियां ते गुंडी रन दा पुत्तरी दलेर बनिया परवेज बनिया गल्लां परे विच करदा तेरी मियां हुण तार नी गिदड़ां दे हो ते नीवी पाके लंघदे शेर मियां। बाबे वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह कसम खुदा दी ऐ मोती परो के ते गल जिहड़ी करदे हुंदे सन ना आप ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰ ਗਈਆਂ। ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੈ। क्यों बी भी बंदा तो आंदे ना फलानी औरत जिहड़ी फलां बंदे नाल व्याही गई मतलब के हुण उहदी पाबंद हो गई, पाबंद गल खत्म। हुण इहने जिथे पैर रखना जिथे भी जाना है इहने अपने साईं दी मर्जी नाल जाना है। एवें ते कम ते यही सी, कुरान भी यही आंदा है कि जिथे भी जावे साईं दी मर्जी नाल जावे। अर रिजालु कवामून अलन निसा ते एक की कहती, एक कहती है साईं जिथे जावे मेरी मर्जी ना जाए। ओ साईं जिथे जावे उथे मेरी मर्जी ना जावे, भी साईं हुंदा कौन है। इहदा मतलब ते साफ हो गया ओ तेरे नाल नहीं व्याही, तू उहदे नाल व्याहे। अब बोलते सही है, खैर होवे तेनू गल ए फलसफा समझ नहीं आना मैं की कह रहा। भी जे वह तेरे नाल वेही हुंदी ते उहने मकूम होना सी लियादा, ओ तू बरात नहीं लैके गया, वह बरात लैके आई सी।
तीला करके कला तो कला फिर भी डरना कला रह गया फिर भी डरना बोलते सही है और चलो जे कला ही रह गया तो हूं तो दलेर बन जाओ लोहा भी बोलो खैर वेशाला पर की दसा यार की दसा ए मुसलमान अल्लाह दा कुरान सुनान लगा जेड़ा ये आखदे ने मेरा जिसम मेरी मर्जी मैं क्या ना ना जिसम साड़ा मर्जी साड़े रसूल दी अल्लाह दा कुरान सुन अल्लाह फरमाया तोड़िया अपनिया मर्जियां नहीं चलनिया हुण वेख मेरा परवरदिगार फरमा रहा है अल्लाह फरमांदा या निसा النبي لستنك احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا الله قران فرما رہے اے نبی دیو بیبیو जो सोने नबी दे घर आले वास्ते हुक्म आवे तो कुछ हुक्म हजूर दियां बीवियां वास्ते खास हुंदा है कुछ सारी उम्मत वास्ते ते हजूर दियां बीवियां वास्ते मुफस्सरीन कराम बयान फरमाउंदे ने ये हुक्म हजूर दियां बीवियां वास्ते भी आया ते हजूर दी उम्मत दियां औरतां वास्ते भी आ गया अल्लाह फरमा रहे हैं का अहद मिन निसा इन तकैतुन फला तखदान बिलकौल अपनी बोली नरम ना करया जे अल्लाह अकबर फला तखदान बिलकौल अपनी बोली अपनी आवाज नरम नहीं करनी नरम लहजे नाल लचकदार लहजे नाल किसे नाल कलाम करना नहीं क्यों फयतमा अल्लजी मता तमा करे तमा करे ओ बंदा फी कल्ब ही मरद जिंदे दिल विच मर्द बीमारी होवे जिंदे दिल विच बीमारी होवे मताओ तुहाडी आवाज ते लालच करे कुरान आंदा तुसी लचक आली बोली ना बोलिया जे अल्लाह दा कुरान सुने मुसलमान अपने सीने नु ठार पर असा लोगां ने किथे कुरान वाले तवज्जो रह गई ओए बेलिया जिन्ना दियां दिन रातां सारियां ए आवारा गर्दियां च गुजर जावे रात सारा दिन बेलिया महफलां थिएटरां च गुजर जावे सारा दिन शौकी खां दे ड्रामे वेखदियां गुजर जावे इन्हां बेईमाना मुनाफका झूठ बोलन वालिया ए कौम सारी झूठा दे पिछे लग लग के झूठा दा दिन मनाना शुरू कर देवे ए कल जिहड़ा 8 मार्च गुजरिया वे यहूदी दी साजिश वेख इहनूं औरतां दा आलमी दिन करार कर दिता गया वेखो यार सिमां दे उत्ते इहनां ने ओवें दी ओह आवाज़ चला दित्ती कि औरतां दा आलमी दिन बेईमाना इस दिन ते साडियां इज्जतां नीलाम होईयां सन इस दिन ते मुसलमानां दे नक्क वड्डे गए सन इस दिन ते मुसलमानां नूं मरण दी थां नहीं सी लभदी जिस दिन सैयद दादी ए बार रोड ते आण के आख्या सी मेरा जिस मेरी मर्जी सैयद दादी ने नारा मारिया सी हाय यार अफसोस है डुब मरना चाहिए कसम खुदा दी पता चलिया अगर सैयद दादी स्कूल दी तलीम पढ़ जावे ते बेलिया उन्हूं पता नहीं चलता मैं किधरों आई हाँ मैं कौन हाँ मैं किन्ना दी औलाद हाँ मेरे रब फरमाया तुसा अपनी मर्जी नाल उची बोलना नहीं हाय 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 ए बीबी तुसा अपनी मर्जी नाल उच्चा बोल सकदी नहीं सख्त बोलना है जदों ही बोलना है लचकदार आवाज नाल नहीं बोलना की मतलब मिसाल देके समझावांगा अल्लाह कुरान मजीद विच फरमा रहा है भी तुहानू गैर बंदे नाल गल करनी पवे ते तुहाडी बोली विच लचक ना होवे यानी कि धीमी जी आवाज जिम्मे अजकल चलती है ना जिम्मे ए हुण वेख तैनू समझ नहीं लगी भरावा के काफर दी सोच में हमेशा काफर ने अपना उस्ताद हर मुसलमान दे घर रखे है जेड़ा 24 घंटे तरबियत दे रहा है टीवी ए पहले पिंडां चा कौन शौन जी कौन है एवें दी आवाज़ां पिंडां पुंडां च कौन ही सुन हुंदियां
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ अगर बीबी की आवाज होंगी उस तो भी कड़केदार होंगी सख्त जो बंदा तो बंदा भी हूँ तो जनाब जाम बुआ खड़का ने तो बीबी की अगू इंज की आवाज क्यों क्यों टीवी में बूहे खड़का खड़का के तरबीयत दे रहे हैं भी थोड़ा तो बुआ खड़के तो अगू बोलना किवें में मेरी गल गलत होवे तो काबले वापसी है अगर सही हो तो फिर वो टीवी नू पुछो मेरा तो कसूर को नहीं ना उन्हें पूछा जे भी तू एडा वल दस दसिया मुसलमान की धी भैन वल दसा जी इंज लचकदार बीबियां आवाज कढ़न गईयां जान के नीवी करके फिर उन्हें टैलीफोन च आवाज लचक आ ली एवें एवें हैलो जी जी एवें दी आवाजा कढ़निया एक काफरां टीवी तो वल दसिया जी और भोले भरावा असा तो भुलेखे नाल आते मुंडे गुआढ़ियों घर मैच वेखन जाते हैं तो कट्टा वेच के घर ही लाए आशी दे अबू ये गुआढ़ियां शरीकां घर ना जान मैं क्या काश के वही टाइम अल्लाह के कुरान नूं दिता हुंदा खैर इधर वेखो सुनो तवज्जो है सुनो भरावो अल्लाह दा कुरान कह रहा हूँ ये ऐत मौलवी पढ़े ते मरे भी कुरान आंदा बीबी दी लचक वाली आवाज ना आवे लचक वाली आवाज ते किधरे रह गई ते हुण मौलवी दी मलवाणी जिहड़ी नाता पढ़ रही थां थां ते आवाज लचक वाली ना होवे ते कोई सुनदा ही नहीं कुरान कहिंदा है एवें दी आवाज ना होवे ते ओह जिहड़ी आवाज लाई खलोती है पीर दी बुढ़ी बेड़ा मोहम्मद वाला लैंदा जे तारियां जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां नाता पढ़दियां ना ओ एक बुढ़ी नूं ते हुण ते पाकिस्तान दी सारी बुढ़ियां नूं ख्वाब ही आया हुंदा है इक्को ओ जिथे वेखो आंदी इक ख्वाब सुनावा इक ख्वाब सुनावा और बुढ़ी नूं यही ख्वाब भी ना मुराद है तेनूं वी ओ ख्वाब आ सारे पाकिस्तान दी औरतां नूं कोई ख्वाब ख्वाब ते एडियां पुठे दिमाग वालियां हुंदियां जी उहनां नूं पता कोई नहीं हुंदा भी लफ्ज़ की बोलना है वो बेच कह रही हूँ मैं खुद अपने कन्ना नाल मैनू मुंडे ने सुनाया आंदा उस्ताद जी आ वेखो सियाने आंदे ने शाह अली लजपाल ने फरमाया सी भी औरतां दी अकल जिहड़ी है ना खुती चुंदी तुहानूं पता इस गल जट बंदे भी आंदे ने सादा पिंड वाले बंदे ओए औरत औरत ओए इहदी अकल खुती चुंदी मतलब घट हुंदी खुती भी थोड़ी अकल हुंदी इहदी अकल नाकस हुंदी ये शाह अली दा फरमान है अल्लाह अकबर इना नहीं पता लगन दिया मैं मुंह च लफज की बोलन दिया रब ले गया मैनू जद शेर मदीने रब ले गया मैनू जद शेर मदीने एक हाजी लाया मैनू कुट के मैनू यकीन जानो कि शर्म आती पी है लफज बोल दिया ते ओ भाई कमाल दी दलेर बीबिया ने मौलवाणिया पता नहीं समझो गल बाहर हुई ओए इंज कही जा रही भी मैनू ओए ज़ालिमा तू ते कुरान पढ़ के मौलवाणिया लोगों नू दसने सन सबक ओते अज तेरी इज्जत कुरान दी मुखालफत कर रही कुरान कहंदा सी लचक वाली आवाज ना बोलिया जे ते तेरी बीबी तिखा कजला परपिटे बना के मूछो बना के इन इन नौ पालिश महंगा सूट पा के वो सामने मुंडे दीवार दे विचों खप्पे च वेख रहे ने एक लानत मल ली इस कौम ने यार नाल ढोलकी वज रही लचकदार की आवाज लचकदार नहीं लछेदार है लचकदार नहीं जेड़ा करा सुनदा ना मुंडा आंदा ओए होए साडे महल्ले च कल बीबी पढ़न आई सी ओए होए तेनू की दसा छी दिया मैं ना दिल करदा सी भी काश वेख ते लवां कर इतन तक कसम खुदा दी ए हालात ए पाकिस्तान दे बयान कर रहे सोने जेड़े कामल लोग सन सैयदी इमाम गजाली वर्गियां फरमाया कुरान दी आयत जदों आपने सुनी आपने मुतालिया फरमाया
अल्लाह दे कुरान नू ज्यादा जानन वाले सन कौन इमाम गजाली जिन्हां नू मिराज दी रात मेरे आका मदीने दे ताजदार ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम दे सामने मेरे आका ने फखर फरमाया जी मेरे आका फरमांदे ने मूसा तुहाडी उम्मत च मेरे गजाली वर्गा भी कोई है जी उस इमाम गजाली सरकार ने की लिखिया वे इधर वे आपकी किताब अतबर मसबूक फीसियर मलूक उस किताब के अंदर आपने बयान फरमाए इस आयत के तहत आप फरमाते ने अगर गैर मर्द बार दरवाजे ते आ जावे बंदा दरवाजे ते आए बीबी कर उन्हें जवाब देना वे कसम खुदा दी उठा के आखना इधर वे आ फरमाते ने बीबी ने जवाब देने किवें जवाब देवे ये ना पूछे कौन है आवाज ना देवे मता उंदी बोली नाल लचक पैदा हो जावे उंदी आवाज सुन के तवज्जो इधर वे उंदी आवाज सुन के कोई लालच पैदा ना हो जावे अल्लाह दा कुरान फरमा रहे फयत मा अल्लजी फी कलबिही मरद ओ मर्द दे दिल विच रोग हुंदा है ए रोगी कोई दिल दा रोगी मता लालच करे बीबी दी आवाज सुन के अल्लाह फरमा रहे लचकदार आवाज नहीं करनी इमाम गजाली फरमाया बीबी मुंह विच उंगल पा ले हाय 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 ओए सोना मेरे भरावा किहड़े फकीर लोग सन किथे किथे तैनूं की दीन समझा रहे अगर बीबी लचकदार आवाज नाल कलाम करे ते बंदे ने दो चार गल्लां वधाणियां ने मसलन मैं दोवें तरीके दसना फिर इमाम गजाली सरकार दा तरीका दसांगा जिहड़ा आपने दस्सिया औरत ने किवें जवाब दे मसलन के बाहरों गैर बंदे दरवाजा खड़काया अंदरों बीबी ने आवाज दी जी कौन है मैं तो उवें बोल ही नहीं ना सकता जिस तरह उन्होंने मिठास भरी हुंदी बीबी ने लचक वाली आवाज और बाहर जिहड़ा बंदा खलोता है उन्हें आखना है बीबी की आवाज बड़ी सोहनी उन्हें आखने भाजी नहीं घर नहीं जी भैन घर नहीं है तुहाडे भैन घर नहीं है वो शाम को आएंगे आप काम क्या है बताएं ये आप ही जी हमने ना वो आप उनका नंबर नैत फरमा दें गला बताएगा बंदा नंबर ये ले भाई जान नंबर ठीक है शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज मैं अल्लाह हाफिज कह रहे वो नहीं कहते वो तो इंग्लिश अल्लाह हाफिज बोलते ना खैर ते जे बीबी बोले सख्त जिवें कुरान कह रहे हाय 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 अल्लाह गैर बंदे दरवाजा खड़काया कुरान आंदा लचक वाली बोली नाल ना बोलिया जे बार छोटा बच्चा कोई नहीं वडेरी मां कोई नहीं हुण भी केड़ा उन्हें करा ते तराया जाना भी भाई बीबी बड़ी सख्त बोलिया उन्हें खाला जी चाचूरी घर है ने लफज वेख्या जो बदलने जो लचकार आवाज होगी आप ही आखना उन्हें खाल अगो फिर सख्त बोले बीबी कोई घर नहीं है शाम को आने चल पाज दरवाजे अगे ना खड़ा भी अब बोलते सही है सोने तेनों गल समझ आवे तो सुबह अल्लाह बन दी पी जावे तो तेरी मर्जी उन जी उन्हें आख उस बंदे ने टेलीफोन नंबर मंगना है उन्हें आखना इतों निकल पाई माँ बाप सिरे च कुछ सोटा बज दई बीबी सख्ती बड़ा बोलती पी ते जे बोली नरम होवे तो उन्हें टेलीफोन नंबर भी मंगना है गल्लां भी वध जानियां ने तुसी समझदार बंदे हो ते अल्लाह कुरान च फरमांदा है असा जिन्हों इलम ते हिकमत देईए हाय 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 ते उसे घर विच बीबी भी होवे ते साडा प्यारा भी होवे जिन्हों इलम ते हिकमत देईए ते बीबी सत दरवाजे बंद करके साडे प्यारे नू कमरे विच लै जावे ते बुराई वास्ते दावत देवे ते साडा प्यारा जिन्हों इलम नबी अल्लाह वाहदहु ला शरीक मौला अपना इलम देवे ते ओ फिर दौड़ ला देवे ते ताले खुल दे जान ते सत ते सत टुट के बाहर आ जान अल्लाह दा प्यारा यूसुफ नबी दी गल कर रहे हैं जिन्हां नूं रब इलम देवे ते हिकमत देवे इस्लाम वालियां शाना देवे उन्हां नूं रब एवें एवें बचांदा है वे हुण गल करना चाहुंदा सां इमाम गजाली सरकार ने अजीब और लतीफ बात बयान फरमाई है
बहुत ही लतीफ बात आप फरमाते ने, बीबी अगर सख्त बोलेगी ना तो फिर भी कोई आखन गए एडी उची आवाज ना ते लचक नाल तो बोलना ही नहीं। ते आप ने फरमाया एक तरीका मैं आसान जिहा दस दिना वा, आए हाय ओए चुप कर। आपने फरमाया बीबी जवान होवे ना, गैर बंदे ने दरवाजा खड़काया, वो अपने मुंह च उंगल पा लवे, वेखो साड़ी इज्जत बचाने वास्ते फकीर ने की गल्लां किताबां च लिख छड़ियां। फरमाया मुंह च उंगल पावे, हुण पुछे भी कौन है मुंह च उंगल पा ली। मैं हुण उवें बोलना वा तुहानूं समझ लग जाएगी भी बीबी किहड़ी दी आवाज़ नहीं कर रही, कौन है किन्नू मिलना। उन्हें पूछा भी उन्हें फौरन पूछना अम्मा जी, बाहर वाले बंदे ने पूछना अम्मा जी चाचा घर हैगा, तो उन्हें घर कोई नहीं है शाम को आएगा। ओए दंद ना काट, मैं की समझा रहा, तुहानूं समझ नहीं आई मैं की गल समझा रहा। ओ भाई ओ मैं की समझाया, गौर करो मैं की कह गया। आपने फरमाया जो एवें बोलेगी बीबी आवाज केड़ी औरत दी निकली है जिन्हें मुंह च दंद ही कोई नहीं, बाहर वाले बंदे दे दिल च कोई मैल नहीं आनी, कोई बेईमानी नहीं आनी। उन्हें आखना अच्छा अम्मा जी मैं शाम नूं फिर आ जावांगा, मेरे वास्ते दुआ करी। बोल दे छड्ड, बोल सुभान अल्लाह। ऐ लोग सन कामिल लोग, हुण कुरान ते साडी बीबी नूं उच्ची बोलण दी इजाजत नहीं देंदा। तू जहान वेखो तू, वैसे तुसा एक मेरे लिए वेख के तजुब कर रहे हो कि मौलवी साहब कुरान बोलण दी इजाजत नहीं देंदा, बे ते आ बनया की पिया है। आइए ना गल देने बे की बनया पिया पाकिस्तान नाल, ये होया की। मैं क्या सरकार ये सारी मौलवियां ते पीरां दी बगैरती रहिंदी हुकूमत दी है, क्यों? अगर मौलवी ते पीर कुछ ना कुछ जोर लाई रखते ना, जिवें फजले अहमद चिश्ती ला रहे जोर, कम अज कम इको यकदम यहूदी ने अर्श है लुट के नहीं सी ले जानी, डिगदियां डिगदियां भी टाइम लगना सी। हर शाय यकदम यहूदी ने नहीं सी ले जानी, घर का घर तो टब्बर का टब्बर ही इन्हें ने बादू वाले कपड़े पाके तो वाल खुले छड़ के हथा च मेहंदी वाली प्लेटा लैके तो बाजार आके ढोल वाले सामने खलो जान। टब्बर का टब्बर इतने तक नहीं सी पहुंचना अगर सारे मौलवी ये गल्ला करते रहेंगे ते। पूरा खानदान का खानदान जो बाजार च आ गया है, पुत्र की शादी होने लगी ते धियां बाजार च आ गई ने। ओए मुसलमान आसा कसम खुदा दी और डुब के मर गए होंगे दिन वेखन तू पहला, काश के सानू सा ना निकलता असा पहले ही टुर जाते। भी दिन आने सन, आ भी दिन आने सन कि मुसलमान की धी ने वाल खुले छड़ के ते ढोल वाले दे अगे नच के आखना सी मेहंदी तां सजदी नचे मुंडे दी मां। ऐ भी दिन असा वेखने सन, ओए ऐ भी दिन आने सन साडे ते। याद रखना मेरे उस्ताद फरमांदे ने, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे आज हमारी बात, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुहाडी अगली नस्ल जिहड़ी जमनी है ते उहने आखणे साडियां नानियां दादियां शुरू तों नचदियां आ रहियां ने। क्यों भाजी? और साडियां मावां नचदियां सन कोई?
आने वाली नस्ल नवी आनी है तो उन्हें आखना भी मौला अली भी पैंटी पाते रहे ने वह भी ट्रोजर शर्ट च रेंदे होंगे सामने नस्ल वेख्या जे करना की तो नाल जी तौबा करके हाले भी वक्त ही हाले भी वक्त ही मुड़िया मुड़िया आजा पाक नबी दे दर्द छड़ शैतानी रहमा जी कर ले तौबा यार बना ले एहो गल समझावा जी आजा पाक नबी दे दर्द नबी दा दर शरीयत मुस्तफा वाले मेनू अफसोस लगता है दुख लगता है अज रिश्तेदार नाल रिश्तेदारी ना जुड़े सके भरा सके भरावान नाल रिश्तेदारी जुड़ी आंदा है मौलवी ए चिश्तीयू ए ते दीनदारी रख दई इन्हें कल नू तियां नहीं चाण देनियां इन्हें मुंडियां दे सामने कुड़ियां नू नहीं आउण देना इन्हें टोल वाले दे सामने तियां नहीं आउण देनियां इहदे नाल रिश्तेदारी ना करी आपां रिश्तेदारियों दे नाल करांगे जिहड़ा कंजर होवेगा तां कि कंजर कंजर रल के कंजर वाला माहौल बनावांगे जेड़ा नबी दी शरीयत पिछे चलेगा ओंदे नाल रल के टुरना नहीं जुड़ना नहीं ना ना असा अपनियां मर्जियां करांगे मैं कह सजणा इत्थे कर अपनियां मर्जियां कब्र विच फिर तेरियां नहीं चलनियां उत्थे मौला दियां चलनियां ते इत्थे भी सां पर इत्थे तू अपनी मर्जी नाल आंदा जी नहीं जिवें मेरा दिल करे मैं जिंदगी गुजारा मैं कह काश इत्थे अपने आप नूं पाबंद कर ले अपने आप नूं एवें बणा ओ जिवें ऊठ दे नक्क च नकेल हुंदी ऐ निक्का जिहा बाल बलोचां दा नत्थ फड़ के लई जांदा अपने आप नूं एवें बना ले ए जिंदगी 20 दिन 20 साल 40 साल आखर ते इन्ने मुक जाणा है किन्ने कु दिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी इन्हें एक दिन ते चले जाने बेलिया बड़े 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 चले गए उजड़ गए वो बाग हजारों जिसके माली थे सिकंदर जब दुनिया से गया उसके दोनों हाथ खाली थी ए जहान मुक जाने कसम वादा उला शरीक मौला दी भैया इंज बन मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी फरमाते अल्लाह दा वली आंदा वक्त मैनू दसा जी एक घंटा पूरा हो गया जी बिलियो मेरा तो टाइम पूरा होया बोलो खैर होवे ला लियो तुहाडा की ख्याल है 12 वजने ने कि नहीं वेख लो जो तुहाडे 12 वजने चाहते ने तो फिर 12 वजा दिना यानी कि घड़ी तो मतलब कि 12 बजे तक मैं थोड़े नाल चल पे चल सकना नहीं तो फिर दुआ खैर करिए मियां साहब फरमाते ने आशिक उठ नकेले होंदे ते दिल परवाग बलोचा बे उजरे यारा लदी जांदे ते भुल गईया ने सोचा बे उदरे लदी जांदे जिवें ऊंठ बे उदरा लद्या जांदे इवें अपनियां सोचां मुका दे अपनियां सोचां मुका दे अपना बिस्तरा सोने नबी दी गली विच ला दे ओ सोने कबर दे अंदर अगले जहान च कामयाबी लेना चाहे ए दरवेख बीबिया ते बीबियां रह गईं उच्ची आवाज ते किधरे रह गई मैनू दुख लगता है मैं गल कर रहा सा कसम खुदा दी ए भी दिन आना सी मुसलमाना ते ए भी दिन आना सी कि मुसलमाना दियां तियां नूं रक्षे वाला घूर घूर के वेखदा होवे अगे असीं कुछ कर ना सकदे होई तियां घर आण के दसण जोगियां ना रह जाण वी सवेरे मां प्यो ने मुसलमान देवे दे दिन भी है सा तेरा दो को सुनावा एक
कदी मुसलमाना ते एवें दे दिन भी हुंदे सन इंज दे दिन भी वेखण नूं काश के तरस गए सोणिया ओ दिन भी आवे कदों मिलिया जिहड़े दिहाड़ मेरे आका दे गुलाम होवण सामने मिलिया औरत होवे मुसलमान मर्द अपनी अखां नीवियां कर ले अखां अगे पट्टी रख ले समझे के मैं बीमार हाँ मैं लागर हाँ मैनू दिसदा कुछ नहीं क्यों बेलियाओ ए तख्ते सिकंदरी पे ओ तख्ते सिकंदरी पे ओ थूकते नहीं ओ तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं अरे बिस्तर लगा हो जिनका आका तेरी गली में बिस्तर लगा हुआ हो जिनका तेरी गली में सोने जिन्ना दा तेरी गली च बिस्तर लग जा की मतलब तेरी शरीयत दे पाबंद बन जान तेरे ताबेदार बन जान ओना नु तख्ते सिकंदरी नहीं चाहिदी आ जनाब दा लोग होवे ते सुनावा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दे दौर दा जवान है ओ मेरे आका दा गुलाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जिन्ना दा नाम अज भी ईसाइयां ने अपनी कलैशणा ते लिखिया है उस अयूबी दी गल कर रहे हैं उस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दी गल जिन्ना दे नाम अज ईसाइयां दी कचहरियां विच लिख गए कि आखदे ने ए बंदा सी जिन्ना ने साडे वड्डियां नूं मारिया वे असां बदले लैणे ने अजो बदले लै रहे ने पैसे दे के बदले लै रहे ने उन्हां पैसे दित्ते साडे बदले लै रहे पैसे दे के मुसलमानां दीआं धीआं नूं दस दस हज़ार रुपया दे के बल्कि एक एक हज़ार रुपये दिहाड़ी दे के मल्ले मल्ले ते गली गली दा चक्कर लवाण च हर घर घर दा दरवाजा खड़का के पोलियो दे कतरे पियाण दे चक्करां विच मुसलमान दी इज्जतां नूं थां थां ते सिर्फ वेचण दे चक्करां विच ओ मामूली तों मामूली चीज वेचणी होवे मुसलमान अपनी बहू बेटी बहन पेश कर देवे अफसोस यार कदी वी दिन वेखण नूं नहीं सुण मिले ओए जे वेखणा नसीब होणा सी तौबा मेरे मौला कोई ओवें दा भेज ना सलाहुद्दीन अयूबी कोई भेज ना मुहम्मद बिन कासिम कोई टीपू सुल्तान आवे असा साडियां अखां तरस गईयां नी ओए ना लांदियां तू साडी जान छुड़ा मेरे मौला रब वादा उला शरीक मौला सुन इना लांदियां तू जान छुड़ावे अफसोस यार बंदे ते बंदे नहीं सन्मान किधरे हुण मरियम नवाज पता नहीं की करेगी पता नहीं कौम दा की हाल होना है समझो गल बारे हैरान पता नहीं बनना की इस कौम नाल उन्हें अगे अगे नहीं सी मान चढ़ गया समान सरकार वो अगे नहीं सी मिलिया हुण ते ओह कदी जिधर उधर टैक्स जी वेख्या जी तुहाडा होना की क्यों कि पिछू काफर ने तुहानू लुटना खाना है पैसा तेरा है मालक होवे मुल्क तेरा मालक होवे आंदा ना मेरा जिसम मेरी मर्जी तेरी कितने मर्जी चल आ छूड़े दी मर्जी तेरे जिसम से चल रही है अमरीका दी मर्जी तेरे मुल्क ते तकी तेरे बच्चे बच्चे ते मर्जी अमरीका दी चल रही है हो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दा दौर सी जदों आप सरकार गए ना फलस्तीन ते जदों आपने चढ़ाई की थी ना ते आपने खैमे लाए जंग वास्ते तैयारी हुई सुबह इरादा सी आपका जंग ते रात आप दे जासूस उधरों आया एक ते कहंदे हजूर ईसाइयां दी एक बीबी आ गई है इधर मुसलमाना दा रूप अधार के ते ईसाइयां दी औरत अपने बंदियां दे विच आ गई है खैमे विच ते ओह ते सारी जासूसी करेगी ते सब कुछ दस देवेगी किन्ने मुसलमान आए ने पिछे किन्ने ने ते लड़ किन्ने रहे ने ते आपां ते रह जावांगे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सरकार ने सारे सिपा सलार नौजवानों नूं बुलाया सारे जरनैल कट्ठे करके फरमांदे ने ओए जवानों जल्दी करो उस बीबी नूं तलाश करो हजूर फरमाया सारे खैमें दी तलाशियां लवो जिन्ना चिर बीबी ना लभी उन्ना चिर जंग ते नहीं जाना क्योंकि वह तो अपने राज दसी रखेगी खुली रखेगी राज लिया उन्हों तलाश करो
मैं दसन लगा एवं भी लोग गुजर गए ने यार। मुसलमान अज सानू जरा शर्म नहीं आई है, कसम खुदा दी चूड़िया की शक्ल बनाने लगे, हनी सिंह दी रीसां करन लगे, उवें दी दाड़ियां दे रैन बनाने लगे, दी सोचिया तू ते नबियां दे नबी दा उम्मती से, नबियां दे नबी दा उम्मती सारियां नबियां दे जेड़े नबी ने आपां उन्हां दे उम्मती आ, सारियां रसूलां तों उची शान वाले साडे रसूल ने असां उन्हां दे उम्मती आ, अज किहड़े राह साडा बेलियां, अज कश्ती किधर है, लंगर किधर है, अज साडे हालात केड़े पासे ने, अयूबी सरकार रहमतुल्लाह अलैह दे जवान जो तलाशियां लैन लग पए, खैमियां दीआं तलाशियां लैंदे आ लैंदे आ, एक खैमे विच दूसरे च तीसरे च में तलाशियां जा रही ने, रात सारी गुजर गई और तलाश नहीं हुई, एक नौजवान जरा इश्क वाला सी, मुहब्बत ज्यादा रखण वाला सी, है ते सारी आशिक मोहब्बत वाले सां, उस नौजवान ने कसम खा ली, कसम खा के आंदा मौला उन्नी देर मैं सोना नहीं, मैं नींदर करनी नहीं, जिन्ना चिर औरत तलाश ना हुई उस औरत नूं मैं लभिया ना, मैं कसम खा ली है उन्ना चिर मैं अख लानी नहीं, तेरी किवें लग गई है, जरा बोल ते सही सुभान अल्लाह, अख लानी नहीं जिन्ना चिर औरत तलाश ना हुई, इधर वेख यार जागदा रही बेलिया, मेरी बात तवज्जो दे नाल समझना, नौजवान रात जागे अगला दिहाड़ भी तलाशियां जारी ने, नार आले बेली सौं गए सुबह उठे ने तलाशियां लै रहे ने, अगला दिहाड़ गुजर गया औरत लभी नहीं, अगली रात गुजर गई, फिर अगला दिन गुजर गया नौजवान दे उत्ते, ओ तीन दिन ते दो रातां गुजर गईयां ने, जदों तीसरी रात आई है, तीन दिन ते तीसरी रात नौजवान सौंदा नहीं, आप परेशान है, कसमां टुट जानियां नहीं, अगर मैं अख ला ली मेरी कसम टुट जाएगी, असा रब नाल कसमां खादियां ने, उन्ना चिर अख लानी नहीं जिन्ना चिर औरत नूं तलाश ना कर लिया, कोई ईसाइयां दी जसूसा जड़ी आई, नौजवान जल्दी जल्दी बेलिया तलाशियां लै रहा वे, पर खैमियां विच हुण औरत मुसलमाना वाला हुलिया बना के आई सी, मुसलमाना दिया औरतां वाला पर्दा बना के आई सी, मुसलमाना तरह नमाज पढ़न दा वल सिखदी सी, उन्हों पता है सी वल है सी क्यों जड़ी जसूसी दा काम करे, उन्हों मुसलमाना वाला सारा काम करना पैंदे, वल सिखांदे ने, गाजी नबीन शहीद जदों राजपाल नूं मारन गया सी, कन वी पड़वाए सां, हाय हाय सारे वल सिखने पैंदे ने, इधर वेख अपना हदफ पूरा करन वास्ते हुण इधर अर्ज करना पिया, वा ईसाइयां दी औरत नहीं हुण जिहड़े खैमे विच तलाशी लैणी उन्हें दूसरे चली जाना, आखिरकार नौजवान तीसरी रात ही अपने खैमे दे अगे अपनी ठोडी दे थले लेदे दी या तलवार दी टेक लगा के खड़ावे, सोचो विचार आखदे मौला मेहरबानी फरमा दे उस औरत दी तलाशी हो जावे, वरना साडी तीन दिन गुजर गए ने, जंग दी तैयारी शुरू हो, जंग दी तैयारी है वे पर सुल्तान ने हुक्म नहीं देना, जिन्ना चिर औरत तलाश ना होए मैं अख नहीं लानी, तेरा फजल होवे ते मेहरबानी कर साडे ते अनायत कर रहमत कर, अल्लाह वादा औला शरीक मौला दी कसम है, रात दा सन्नाटा छाया वे, रात गई जदों आखरी रात हुई, पिछली रात अचानक वेखदा की है एक औरत कल्ली खैमे विचों निकली है, पर्देदार है पर्दा करके ये जल्दी जल्दी निकली है, दूसरे खैमे वाले जान दा इरादा रख दिए, नौजवान अपने खैमे तू जल्दी छाल मारी, टुरदियां थोड़ के आए ये भजदे आण के उस औरत दे सामने खड़ा हो गया, तलवार कड्डी बोल के आंदा दस कौन है, ने ते सिर वट दे आगा जल्दी बोल कौन है, हुण इधर वेख उस नौजवान मेरे नबी दी तलीम जानदा सी, जानदा सी मेरे आका दी तलीम शरीयत वाली, के मुसलमाना दी औरत हुंदी उन्हें कल्ली ने बाहर जाना नहीं सी।
मुसलमाना दी नहीं सी तां बार गई हुण सारियां गल्लां ते काफर सिखा के नहीं भेजदे इधर वी किधरे ना किधरे चोर अपनी चोरी दे निशान छड़ जांदे उस औरत जदों कल्ली खैमे विच दूसरे वल्ले जाण दा इरादा रखियावे जदों निकली ए नौजवान समझ गया दौड़ के सामने आए कि मैनूं शक जिवें इही औरत कल्ली जा रही मुसलमाना दी औरत जांदी ते उहदा खावंद नाल होणा सी उहदा कोई महरम नाल होणा सी इवें औरत कल्ली रात नहीं दिनी जा सकदी ना दिने ना राती मुसलमाना दी औरत कल्ली बार ओ नौजवान केड़ी गल ते समझा भी शक पिया भी ओही औरत होनी ते आपा फिर पक समझिए ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜੱਗ ਚ ਤੇ ਪੱਕ ਹੋਇਆ ਬੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾ ਹੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲਮੇ ਪੜਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜੋ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨੌਜਵਾਨ औरत नु पकड़े औरत बोल के आखदी नौजवान मैं ना मारी ना कतल करी ना तलवार चलावी मैं ओही तुहाडा शिकार हां जिन्नू तीन दिन गुजर गए ने तुसी तलाश कर रहे हैं मैं ओही साईयां दी औरत हां नौजवान ने कैद करके औरत नु अपने खैमे विच ले आया वे ए आन के ताला मार के उन्हें बन दित्ती अपने खैमे दे अंदर संगल नाल बने औरत नु तलाशी लै गई ना ना बन दित्ता आखदा लो सुबह सुल्तान दी बारगाह च पेश करांगे इनाम भी मिलेगा साडियां कसमां भी पूरियां हो गईयां ने हुण आखदे हुण रात खैमे दे अंदर कल्ली औरत कल्ला नौजवान नौजवान दे दिल च ख्याल आया नौजवाना कल्ला है जल्दी कर वजू बना ले नौजवान ने वजू बनाए आंदे औरत दा ख्याल ना आवे फौरन मसल्ला बिछाया है मसल्ला सीधा करके नमाज शुरू कर दित्ती नमाज पढ़न लग पिया वे क्यों औरत दा ख्याल आवे ना निमाज शुरू की थी ये भी इस औरत दा ख्याल ना आवे नौजवान ने निमाज शुरू कर दीती निमाज पढ़दे मैं कहा वाह सुभान अल्लाह ओना दी निमाज सी अज साडी भी निमाज है अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने मैं जो सर पर सजदा हुआ कभी जो सर पर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सनमाशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में सजदा किथे करन ने दिल तेरा किथे वे आप किथे वे बुत किथे वे दिल किथे वे ए नमाज च दिल साहब च साहब कर रहा आप नमाज शुरू कर दिए ना ते अंदर साहब किताब शुरू हो जाए एक लतीफे की बात सी एक बंदा सी दुकानदार नमाज मौलवी साहब के पिछे पढ़ लगा तीन रकातं पढ़िया मौलवी साहब ने तीन रकातं ते शाह वाले सलाम फेर दिता चौथी पढ़ी ना वह हजरत साहब मैनू लगता है आप रकातं अज तीन पढ़िया तीन रकतं पढ़ बैठे उन्हें आख्या सोचा मौलवी साहब हाँ यार तीन ही पढ़िया पर तू बड़ा सियाना भी तेरा गौर सी सारी किसी पूरी साहब का ही गौर कोई नहीं पिछे तू बड़ा सियाना बंदा बई उन्हें कहा दूर सियाना तो मैं भी कोई नहीं मैं रोज चौं रकात च चार दुकाना का हिसाब करता सा अज तिना का होया मेरी एक दुकान रह गई सी मैं अज लगता मौलवी सब भुल गए साड़िया नमाजा ने असा तो हिसाब शुरू कर दें इमाम गजाली सरकार एक दिन नमाज पिछे गए इमाम के पिछे नमाज नहीं थी अल्लाह इमाम साहब जो ना करात कर रुकू च गए तो आप छड़ के घर आ गए नमाज विच छड़ गया इमाम साहब पुछदे ने खैर हजूर जो कदी आए नहीं जी अज आए आए जे विच छड़ के आ गए जे बिस्ती होर हो गई
ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਦਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖੈਰ ਹੋਏ। ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਫਰਮਾਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਓ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਮਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲੀਏ, ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯਮਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਦੋ ਰਕਤ ਨਫਲ ਪੜਾਂਗਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਦੋ ਰਕਤ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚ, ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਮਾਜ਼ ਆਪ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਚਾਦਰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਯਮਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਸਲਾਮ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜੀਚੀ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਓ। ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਫਤਵੇ ਨਾ ਠੋਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜ਼ੇਨ ਘਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਵੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ। ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਰਹਿਮਾਹੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਰਾਤ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਤਰਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਸੱਲੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਦੋ ਰਕਤ ਨਫਲ ਪੜੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਸੌਂ ਗਈ, ਖਰਾਟੇ ਲਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ, ਫੌਰਨ ਸੌਂ ਗਈ। ਆਪ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖ ਲਾ ਲਾ, ਮਸੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਏ, ਫੌਰਨ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਜਾਂ ਲੇਟੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਆਈਏ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੱਕਾਰਾ ਸੀ, ਉੱਠੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਖੰਜਰ ਤੇ ਨੇਦੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਉਹਨ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਟ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਵੇ। ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਲੱਗਿਆ ਵੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਏ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਫੌਰਨ ਗੈਰ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵੇ। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਡਿੱਗਿਆ ਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਅਲ ਮਦਦ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਅਲ ਮਦਦ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਏ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੇ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਏ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ, ਆਪ ਨੇ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾਇਆ ਵੇ, ਦੁਹਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਵਾਨਾ ਸੁਣਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਵਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ,
इनू लाज लावी ना है। उधर सरकार वालों दलेरिया मिल गई ने, नाले ज़ियारत हो गई ने। चलिया जिन्ना नहीं डिठा ओह करन गल्ला, जिन्ना वेख लिया उच्चा बोल दे नहीं। असा वेख्या जो नहीं तां मिलिया सानू पैट लोकां दीआं यादां आउंदीआं ने। जिन्ना वेख लिया वे ओह उच्चा बोल दे नहीं। इधर वेख यार, सुल्तान दे उस नौजवान ने फौरन अपना खंजर कढ़िया वे अपने पैर दे विच आर पार कर लिया वे। खंजर विच रखिया वे, पैर चुक के उता बहर आवे, खंजर विचू कढ़िया नहीं, दर्द नाल आहा भरदा वे। एक कतरे पानी दे तरह खून डिगदा वे, खून जदों थले डिग रिया वे टप टप दी आवाज आ रही। रात दा सन्नाटा सी, औरत बड़ी परेशान ईसाइयां दी, नौजवान नू बनिया की इंज फड़क के जा पिया वे। हाए नौजवानों, ऐसी जवानी नू की करना है, जड़ी अमानत होवे किसे औरत दी ते खयानत कोई होर कर जावे। ऐसियां जवानियां नू करना की है, वे जवानी अमानत ही अपनी बीबी वास्ते सांभ के रख लई। जिसम तेरे कोल अमानत दे विच खयानत ना करी। मुसलमान वीर है दरवे, नौजवान हुण औरत ने तलाश कीता चिराग, उन्हें खैमे विच चिराग तलाश कर गई, हुण चिराग बालिया वे। वेख्या जदों रोशनी हुई, जिहड़ी टप टप दी आवाज आ रही सी, नौजवान दे पैर विचों खून जारी है, थले पानी खून आला पानी बनिया पिया वे। इंज खून दे विच खून दा खतरा डिगदा, टप टप दी आवाज आ रही। औरत ने जदों वेख्या ते नौजवान पैर पकड़ के बैठा है, खून जारी है, खंजर विच लग्या पिया वे, खंजर बाहर कढ़िया नहीं। औरत वेख के आखदी है, नौजवान ए की कीता ई, खंजर मारे आई ते कढ़िया नहीं। आखदा कढ़िया इस तू नहीं के मेरी तकलीफ खत्म ना हो जाए, विच ता खंजर रखिया वे के तकलीफ जारी रहेगी, मैं सारी रात तकलीफ नाल कढ़ लांगा, तेरा ख्याल नहीं आवेगा, तेरा ख्याल नहीं आवेगा, मैं दर्द नाल रात कढ़ांगा, सारी रात एवें निकल जाएगी। मुसलमाना इधर वे, औरत बोल के आंदी है, नौजवाना अगर मुसलमान एवें दे हुंदे ने जिवें दा तू ए, फिर मैनू वी कलमा पढ़ा दे। ਕੀ ਆਖਦੀ ਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਏ ਸੂਫੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਰ 'ਚ ਖੰਜਰ ਆਰ ਪਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਹਸੀਨ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖੰਜਰ ਆਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ चल मेनू कलमा पढ़ा वाकी मुसलमान इंज दे हुंदे ने हाय 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 गैर औरत अले अख चुकदे ही नहीं अख नहीं चुकदे ते मैं के बिलिया इधर गैर थले अख नहीं चुकते ते साड़ी थले आवे ही ना तो उधर आके समझ नहीं लगती दिल च सुकून कोई नहीं हुंदा मैं के सुकून सरकार अख नीवी कर ਇਹ ਸਕੂਨ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਖ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਸੁਫੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਆਣਿਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਲੀ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਰਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਰਾਜ਼
सचियां सुनावां जे तू होवे ना नाराज़ गल एक ऐसी मैं करावां तेनू याद तेनू हुण दुनिया दी दौलत उत्ते नाज़ इस गले भुल गए ओ रब दी निमाज़ इस गले भुल गए रब दी निमाज इत्थे सब कुछ तेनू भुल जावने इत्थे सब कुछ तेनू भुल जावने जदों मौत तेरी तेनू चा बुलावने कोठियां सजाण वाले आ कुछ होश कर ओ कुछ होश कर रब नू भुलाण वाले आ कुछ होश कर रब नू भुलाण वाले आ अल्लाह वादा उला शरीक मौला दी बारगाह विच दुआ है अल्लाह ताला जल्ला शान हाजरी कबूल फरमा के दोवां जानां दीआं बरकतां देवे पूरे बारह वज गए मेहरबानी फरमाओ वक्त काफ़ी हो गया ते लंगर शरीफ लियाओ हाँ सोने हो तगड़े हो जाओ सुबहान अल्लाह लंगर शरीफ ते फिर आना ही आना है ना ये ते फिर सुनिया दी महफल है ओ केड़ा भाबिया दी ओ अच्छा दोस्तों की मुहब्बत आते ने पीर बाऊ का शेर एक सुना दो लंगर शरीफ तुसी लियाओ तो मैं सखी सुल्तान बाऊ का शेर सुना देना आ मुसलमान वीरा सखियां दा सुल्तान फरमांदा दिल काले नालों मूं काला जंगा जे कोई इसनू जाने यार पछाने हो ए दिल यार दे पीछे होए मता यार भी कदी से आने नस गए जदों लग गए दिल ठिकाने तीन दफा कुल शरीफ पढ़ो सारे ते दुआ वास्ते मियां साहब नूं मैं पेश कर